हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो लेवल। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ चेतना, करियर साइकोलॉजी विद जोशना। यस, टुडे आई एम डिस्कस विद यू हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो लेवल। सो इट्स वेरी कॉमन डाउट फॉर ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट कि हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो लेवल। सो आई विल गिव यू सम टिप्स। फर्स्ट टिप, बी मेंटली प्रिपेयर। सो स्टूडेंट, मेंटली प्रिपेयर से मेरा मतलब है कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन मोड में हो, लाइक हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना है, मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। लाइक आप अगर यूपीएससी करने आए तो ये कोई वन डे एग्जाम नहीं है, आपको मेंटली स्ट्रांग होना, इवन प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। कि आप ये नहीं कि आप लाइक वन मंथ आपने स्टडी करा, टू मंथ करा, फिर आपने देखा कि मेरा फ्रेंड तो लाइक इस एग्जाम के लिए कर रहा है, बैंकिंग अच्छा है, ठीक है, एसएससी मुझे करना चाहिए, फिर अब मुझे नेट वगैरह के लिए करना चाहिए, टीचिंग फील्ड के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। तो आप फिर मेंटली प्रिपेयर हो जाओ पहले तो कि आपको यूपीएससी ही करना है। अगर आप यूपीएससी करने के मोड में हो तो मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है यूपीएससी एग्ज़ाम अगर आप करने के इंटरेस्ट में हो तो। सेकेंडली जो मैं आपको बताऊँगी, चेक दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मतलब है कि यूपीएससी जो है एग्ज़ाम के लिए आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देखो कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। आप गूगल करो कि एलिजिबिलिटी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लाइक इसमें ग्रेजुएशन मांगा है या फिर ट्वेल्थ की ही मार्कशीट, ट्वेल्थ की डिग्री ही बहुत है, लाइक इसमें, या फिर एज लिमिटेशन मिनिमम कितना है। तो यूपीएससी के लिए आप देखो कि 21 जो उसकी मिनिमम एज है, या फिर एलिजिबिलिटी में ग्रेजुएशन डिग्री जो है इसमें रिक्वायरमेंट है, तो ये सब आप पता होना इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है कि आप देखो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ या फिर कब होऊंगा, लाइक ठीक है। तो आप इसके लिए देखो कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। ठीक है, यूपीएससी एग्ज़ाम जो है आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप इस एग्ज़ाम का पैटर्न देखो एंड सिलेबस को बहुत डिटेल में आप इसको स्टडी करो कि क्या है, लाइक इसमें कितने स्टेजेस है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, कौन सा आपका स्टेज जो ऑब्जेक्टिव है, कौन सा सब्जेक्टिव है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मार्किंग की आपकी मेंस आंसर राइटिंग है, प्रीलिम्स में कौन कौन सी आपकी पेपर है, पेपर वन है, पेपर टू है। तो आपको डिटेल में स्टूडेंट इसके सिलेबस का प्रिंट आउट आपके पास होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज डिसाइड योर ग्रेजुएशन डिग्री। देखिए, ग्रेजुएशन डिग्री से मतलब कि आपको ना डिसाइडेड बहुत होना ज़रूरी है कि आप किस ज़्यादा लाइक किस स्ट्रीम में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। अगर आपको लगता है कि आपको यूपीएससी करना है तो आप अगर आर्ट्स की स्ट्रीम लाइक अगर आपको आर्ट्स ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स लो, कॉमर्स भी है तो आप कॉमर्स ले सकते हो, कि यूपीएससी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास सिर्फ आर्ट्स की डिग्री होना ज़रूरी है, नहीं, आप किसी भी आप स्ट्रीम के हो सकते हो, सिर्फ इसमें मैंडेटरी है कि आप ग्रेजुएशन होना, ठीक है, तो आप ये डिसाइड करो। नेक्स्ट इज रीड लाइक चूज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट, ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो भी स्टूडेंट यूपीएससी के मोड में है उनको पता है कि यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर 500 मार्क्स का होता है, ठीक है, और 500 मार्क्स का अगर एक पेपर वेटेज कर रहा है तो इम्पॉर्टेंट तो है ही, और इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में काउंट भी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल पेपर आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ही आपको डिसाइड नहीं करना, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आपको डिसाइड करना होता है कि ऑप्शन आपके लिए क्या बेस्ट है, ठीक है। तो उसके लिए आप ऐसे नहीं कि आपका फ्रेंड अगर कोई ले रहा है ऑप्शनल तो मैं भी वही लूँ, नहीं, आप खुद देखो कि आपका इंटरेस्ट किसमें। अगर आपको पीएसआर में इंटरेस्ट है, या फिर अगर आप कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी जो कि कॉमर्स का हो रहता है मतलब होता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि बहुत देर होता है स्टूडेंट्स लेते हैं, तो आप देखो अपना इंटरेस्ट देखो, आप अगर इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आप उसे कर पाओगे, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से अपना डिसाइड करो ऑप्शनल। नेक्स्ट इज सॉल्व प्रीवियस ईयर्स पेपर। देखिए स्टूडेंट, पीवाईक्यू से मेरा मतलब यह है कि आपको पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा ना नॉलेज देता है कि कहीं ना कहीं यूपीएससी का स्टैंडअप क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स ना पीवाईक्यू देख लेते हैं ना, उनका काफ़ी माइंड जो है क्लियर हो जाता है कि यूपीएससी का आखिर लेवल क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन जो है पुटअप करती है। लाइक अगर आप बात करें प्रीलिम्स की, तो अब देखो प्रीलिम्स के 10 ईयर्स की पीवाईक्यू उठाओ कि किस तरीके से यूपीएससी हर 2 साल में जो उसके पैटर्न में कुछ ना कुछ
चेंजेस रहता है, लाइक किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप करती है, जो कि यूपीएससी हर एरिया से क्वेश्चंस आपसे पूछती है, ठीक है। तो आप पीवाईक्यू देखो, आपका जो माइंड में काफ़ी डाउट है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। तो पीवाईक्यू लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे बात करें हम प्रीलिम्स की या फिर बात करें मेंस की, तो पीवाईक्यू देखो आप ज़रूर। नेक्स्ट इज स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। देखिए स्टूडेंट, न्यूज़पेपर आपको स्टार्टिंग से ही कर देना ज़रूरी है, क्योंकि न्यूज़पेपर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट में नहीं होता स्टूडेंट्स का, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके इंटरव्यू का, ठीक है। तो न्यूज़पेपर आपको स्टार्टिंग में बहुत बोर लगेगा कि हमें मतलब बोरियत लगता है स्टूडेंट सभी को पढ़ना, बट न्यूज़पेपर देखो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको पता नहीं होता कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको रिलेवेंट क्या है, क्या आपको स्किप करना है, बट बेसिकली यूपीएससी अगर आप करने आ रहे हो, आपका इंटरेस्ट है, आपको एग्जाम देना है, इवन निकालना भी है, तो आप स्टार्टिंग से ही न्यूज़पेपर की एक हैबिट डालो। उससे क्या होगा, आपकी जो रीडिंग की हैबिट है ना, स्टार्टिंग से ही डेवलप होगी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूज़पेपर रीडिंग। नेक्स्ट इज लर्न द टाइम मैनेजमेंट। देखिए स्टूडेंट, टाइम मैनेजमेंट करना यूपीएससी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात करें सीसेट की, तो सीसेट जो आपका रहता है, जो कि आपका क्वालिफाई पेपर होता है पेपर टू प्रीलिम्स का, तो उसमें जो सारा का सारा जो एक गेम होता है ना, वो टाइम मैनेजमेंट का ही होता है। अगर आपको क्वेश्चंस आते भी हैं, बट हम उसको टाइम ज़्यादा हमारे पास होता नहीं है एग्ज़ाम के, और एग्ज़ाम का प्रेशर भी होता है, तो अकॉर्डिंग टू उसके, ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ सीसेट का, बट आपके जो सारे ही पेपर होते हैं जीएस एंड आपके मेंस के, तो सब टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करना आना चाहिए, और स्टार्टिंग से ही आपको इसकी प्रैक्टिस आप करो खुद को प्रिपेयर। नेक्स्ट इज लर्न द आर्ट ऑफ द मेकिंग नोट्स। स्टूडेंट, यूपीएससी में क्या होता है, आपको स्टार्टिंग से ही ना नोट्स मेकिंग करना होता है। नोट्स आपको कहीं ना कहीं आपको पूरे ही आपकी जर्नी में आपको हेल्पफुल रहता है। लाइक नोट्स से क्या होता है, आपको ना एंड में रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा एक स्टैंड अप मिल जाता है, आप फास्टली रिवीजन आप कर सकते हो। तो स्टार्टिंग से ही ना अपने आपको नोट्स कि आप मोड में अपना आपको करिए, लाइक एनसीईआरटी आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए, या फिर मेल्स के लिए आप किस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। हम बात करें किसी भी सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड जो बुक्स होते हैं, तो स्टार्टिंग से ही एक नोट्स का एक आप अपने आपकी हैबिट बनाइए, और एक एक बहुत ज़्यादा मतलब आप एंड में, ताकि आपके लिए क्या हो, हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस आंसर राइटिंग फॉर यूपीएससी मेंस। देखिए मेंस में क्या होता है, आपका आंसर राइटिंग होता है, ठीक है। तो उसमें आपको स्टार्टिंग से ही, तो एकदम से स्टूडेंट नहीं अच्छा अपना आपको कर पा दो, तो स्टार्टिंग से ही क्या करो, आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग आप करो, स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में आप बेकार लिखोगे, फिर धीरे धीरे अपना आपको आप इम्प्रूव करते जाओगे। तो स्टार्टिंग से क्या करो, अपने मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में लेकर आओ, वो आपको बहुत हेल्प करेगी फॉर द रिजल्ट। नेक्स्ट इज वर्क यू नो कम्युनिकेशन स्किल। देखिए स्टूडेंट, कम्युनिकेशन स्किल जो है आपको, जो आपके थर्ड स्टेज होता है इंटरव्यू, लाइक पर्सनैलिटी टेस्ट, उसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। सो स्टार्टिंग से ही ना आप एक ऑफिसर रैंक के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप किस तरीके से सामने वाले को अपने आपको प्रेजेंट करते हो, आपका बोलने का किस तरीके से, आप हम्बली बोल रहे हो, आप ज़्यादा एग्रेशन हो, तो आपको ये स्टार्टिंग से अपना आपको कमांड करना है। तो कम्युनिकेशन स्किल पर थोड़ा फोकस कीजिए अपना। नेक्स्ट इज डेवलप कंसिस्टेंसी। देखिए स्टूडेंट, ये जो एग्ज़ाम है कोई वन डे एग्ज़ाम नहीं है, ये जर्नी बहुत लंबी जर्नी, लाइक एक से डेढ़ साल अपना आपको अगर आप देते हो यूपीएससी में, तो ही रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस रखो। अदरवाइज सोच रहे हो आप कि मैं 2 महीने पढ़ूँ, 6 महीने पढ़ूँ, तो ऐसे रिजल्ट कभी नहीं आता, फाइन। तो अपना आपको कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है, तो ही रिजल्ट आप ले पाओगे। नेक्स्ट इज स्टे अपडेटेड विद यूपीएससी अपडेशन। ठीक है, यूपीएससी से मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि कहीं ना कहीं हर 2 साल में इसका पैटर्न जो है चेंज मोड में रहता है। तो क्या इसमें अपडेशन है, क्या इसमें यूपीएससी कुछ अपडेट कर रहा है, क्या चेंजेस कर रहा है, तो उसका अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, तो वो अपडेटेड आप रहिए। नेक्स्ट इज ट्रस्ट करो अपने आप, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। देखिए स्टूडेंट, ये जर्नी जो है बहुत लंबी जर्नी, इसमें मैंने अभी बताया आपको, 1 से 1.5 साल अपना आपको दोगे तो ही रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो अपने आप पे आप भरोसा कीजिए कि अगर आप यूपीएससी करने आए हो, तो आपको इस एग्ज़ाम को
बी पॉजिटिवली बिना डिस्ट्रैक्शन के आपको क्या करना है, रिजल्ट लेकर आना है, ठीक है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड अगर आप हो तो अपने आप को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत करो कि लाइक मेरा फ्रेंड जो है अगर वो बैंकिंग कर रहा है सपोज वो लग भी जाता है, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आप अभी भी प्रिपरेशन में मोड में, ठीक है, तो अपने आप को कंपेयर मत करना, बहुत माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अगर आपको रिजल्ट लेकर आना है तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करना, इवन बहुत सारे अदर भी फैक्टर्स होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, खुद के पर्सनल इश्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल वहां से हटते हुए अपने आप को क्या करना है, पॉजिटिव रखना है, एंड ऑल द बेस्ट।